देखिए कोई स्क्रैच नहीं आ रहा है, ये इंस्टेंट सेल्फ हीलिंग होता है। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है भावना चौधरी। तो काफी टाइम से मेरी टाटा पंच पर पेंट के कुछ छोटे छोटे डॉट्स बने हुए थे, जिन्हें लेकर मैं काफी दिन से परेशान थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे साफ किए जाए। बहुत बार मैंने घर पर भी ट्राई किया, बट वहां पर मैं सफल नहीं हुई। तो इसके लिए आज मैंने विजिट किया है कार क्राफ्ट स्टूडियो, जिसकी ब्रांच ओपन हो गई है न्यू दिल्ली रजौरी गार्डन में। और आज मैं अपनी टाटा पंच को यहाँ पर लेकर आई हूँ। पीपीएफ के बारे में जानेंगे, डिटेलिंग के बारे में जानेंगे, साथ ही देखेंगे अपने टाटा पंच के लिए कौन सी चीज यहाँ पर बेस्ट है, जो आज हम कराने वाले हैं। तो लेट्स कम इनसाइड्स। आई एम गोना गेट बैक व्हेन आई फील लाइक। हाय, व्हाट्स योर नेम? दीपाली। दीपाली, एक्चुअली मेरी गाड़ी में पेंट के कुछ छोटे छोटे डॉट्स हैं और वो काफ़ी टाइम से हैं। इसके साथ ही जैसे एक साल से मैं गाड़ी चला रही हूँ, तो कुछ स्क्रैचेस भी आ गए हैं और 25,000 के आसपास गाड़ी चला चुकी है और मोस्टली धूप में ही खड़ी रहती है, तो गाड़ी का जो पेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा डल हो गया है। तो मुझे कुछ ऐसा सजेस्ट करो कि मेरी जो गाड़ी है उसका पेंट भी थोड़ा शाइनी हो जाए और साथ ही साथ जो डॉट्स और जो स्क्रैचेस हैं वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएँ। अगर आपको अपनी गाड़ी पे सिर्फ शाइन और ग्लॉस को ही मेंटेन रखना है कि डस्ट पॉल्यूशन से बचे, वाटर रेजिस्टेंस मिले, तो आप सेरेमिक करवा सकते हो। बट अगर आपको अपनी गाड़ी में कंप्लीट प्रोटेक्शन चाहिए कि आपका पेंट भी प्रोटेक्ट रहे, आप कार को और अच्छे लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सके इन न्यूली कंडीशन, तो उसके लिए आप PPF करवा सकते हैं, जो कि पेंट प्रोटेक्शन फिल्म होती है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक बार आपको सर से मिलवा मेरी गाड़ी में कुछ डॉट्स हैं, पेंट के डॉट्स हैं, जो कि काफी टाइम से हैं। साथ ही साथ एक इशू ये भी है कि मेरी जो गाड़ी है उसकी पॉलिश काफी डल हो गई है, यू कैन से पेंट डल हो गया है, क्योंकि धूप में बहुत ज्यादा रहती है। अभी गाड़ी कितनी पुरानी होगी मैडम? गाड़ी मेरी एक साल पुरानी है। एक साल पुरानी होगी, तो पहले हम आपकी गाड़ी की एक बार कंडीशन चेक कर लेंगे और एज पर योर गाड़ी व्हीकल कंडीशन हम आपको बता देंगे कि इसके लिए क्या बेटर रहेगा ऑप्शन। तो सर ये देखो, ये मेरी गाड़ी है और मुझे जो सबसे बड़ा इशू है, एक तो ये डॉट्स आप देख रहे हो ना, मिनिमाइज जो है बहुत ज्यादा ब्लैक डॉट्स हैं और ये कहीं गाड़ी पर पेंट के कुछ छींटे लग गए हैं। और ये मैंने हर तरीके से साफ करने की कोशिश की है और ये पूरी गाड़ी पर है इसी तरीके से। इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? जैसे अभी मैं आपकी गाड़ी देख रहा हूँ, गाड़ी की कंडीशन ठीक है, मैं आपको एक इसका भी डेमो दिखाता हूँ, आपको इस पार्ट को मैं भी क्लियर करके दिखाता हूँ एंड यू फील द डिफरेंस। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगेगा तो फिर पूरी गाड़ी देखिए। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो डेमो देख लेते हैं एक बार साहिल जी से कि पेंट का जो डॉट्स है वो आप देख सकते हो स्क्रीन पर, छोटे छोटे हैं बट पूरी गाड़ी पर है। और अभी एक बार एक डेमो देख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमें गाड़ी पर पीपीएफ के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सर डेमो दिखा दीजिए जी। अभी हम पहले इस वाले पार्ट को आपको क्लियर करके दिखाएंगे कि केमिकल से क्या डिफरेंस आ रहा है और इसके अंदर ग्लॉस इनहेंस कितना लेवल तक उठता है, उसी से आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स हम यूज करें। I'm gonna get back when I feel like... देखो मैम, जैसे अभी हमने आपका बोनट को हाफ डिफरेंस कर दिया, ठीक है, एक तरफ आपके पूरे बोनट पे स्पॉट्स हैं, इधर वाली साइड फिर भी काफी क्लीन है। अभी इसको क्लीन करने के लिए हम यूज करेंगे प्रोडक्ट, ये कटमैक्स प्रोडक्ट है सोनेक्स का, इट्स डायरेक्ट फ्रॉम जर्मनी, नॉट इंडियन प्रोडक्ट। इट्स क्लियर, इसमें मेंशन है कि आपका जो भी गाड़ी का क्लियर कोट है वो सेफ रहेगा। एंड साथ में हम लोग इसके जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, स्पेशली क्या होता है पैड, पैड कभी भी गंदा गाड़ी पे यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार गंदा पैड गाड़ी पे यूज करेंगे तो दूसरे की गाड़ी की गंदगी वो आपके गाड़ी के ऊपर लेके आ जाएगा। अब पैड भी आप देख सकते हैं, वो सोनेक्स के पैड है, न्यू है, न्यू आपने जस्ट अभी ओपन, हाँ आपके लिए ओपन किया है। एंड ये फोम पैड होते हैं, फोम पैड लाइक ये किसी भी तरीके से आपके पेंट को डैमेज नहीं करेगा। मैम एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा कि जो भी डिटेलर होता है, सबसे पहले आप उनके टूल्स को जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे रुपेश का पॉलिशर यूज कर रहे हैं, ठीक है, रुपेश का पॉलिशर बिग फुट के नाम से ही आता है एंड इज द बेस्ट पॉलिशर इन दिस इंडस्ट्री, ओके, ठीक है मैम। क्योंकि लाइक क्या होता है, लोग चाइनीज पॉलिशर यूज करते हैं, उनके जो RPM होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, ओके, जिसकी वजह से कई बार गाड़ी साफ होती है, कई बार उसकी वजह से स्क्रैच भी आ जाता है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को कुछ भी बताऊं या हम साहिल जी से कुछ भी पूछे, सबसे पहले आप यहाँ पर पार्टीशन देखो, जो ब्लैक पेंट था वो पूरी तरह से क्लियर है एंड लुक एट द शाइन, ये पूरा ग्लॉसी लग रहा है, बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है, मतलब लिटरली मैंने अपनी ऐसी गाड़ी
न्यू देखी थी और पिछले एक साल से ये बहुत ज्यादा डल थी, ये कैसे कमाल किया आपने? मैम कुछ नहीं, बस यही डिफरेंस होता है केमिकल्स का। जो लोग हम मतलब मार्केट में केमिकल यूज करते हैं, जो हम यूज करते हैं, उसमें यही डिफरेंस है कि गाड़ी का ग्लॉस भी नहीं जाएगा और गाड़ी को एक बेटर लुक भी मिलेगा। जैसा मैं आपको बता रहा था कि इस गाड़ी पे हमने सरफेस कोटिंग करी है, सरफेस कोटिंग में जितने भी हमारे केमिकल यूज होते हैं उनसे किसी भी तरीके से आपकी गाड़ी के पेंट को हार्म नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी ग्लॉस को एनहांस करने के लिए होता है। अच्छा, ये तो हो गया ब्लैक स्पॉट्स। अब मेरा एक और इशू है स्क्रैचेस। मैं गाड़ी बहुत ज्यादा रफ चलाती हूँ और मेरी गाड़ी के रियर में आई आपको दिखाती हूँ कि काफी ज्यादा स्क्रैचेस हैं। तो मैं उसका आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसा मैं क्या गाड़ी पर ट्रीटमेंट लूँ जहाँ से मैं अपनी गाड़ी के पेंट को प्रोटेक्ट कर पाऊँ, साथ ही साथ जो ओरिजिनल बॉडी है गाड़ी की वो भी प्रोटेक्ट रहे। मैम स्क्रैचेस वगैरह के लिए बेस्ट इस टाइम मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है दैट इज PPF। PPF फुल फॉर्म इज पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। ओके, अब जैसे अपने ब्लैक स्पॉट्स का मुझे डेमो दिखाया, मैं PPF का भी डेमो देखना चाहूंगा। जी मैम, मैं आपको इस गाड़ी पे नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसको अभी आपकी नई गाड़ी है, इसमें स्क्रैच नहीं मारेंगे। मैं आपको एक डेमो पीस पे आपको PPF का डेमो दिखाता हूं। चलिए। मैम देखिए, जैसे मैं आनंद आपको बताया था कि एक पीस हमने इसके ऊपर छोटा सा PPF का लगाया है, अभी ये बिल्कुल फ्रेश है और जैसे जैसे ये इसके अंदर का जितना भी जो मैंने मॉइस्चर इसके अंदर डाला है, शैम्पू डाला है, वो धीरे धीरे ड्राई होकर बिल्कुल ये क्लीन हो जाएगा एंड इसके अंदर कुछ नहीं रहेगा। अब मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये मेरी की है गाड़ी की, ये मैं इसके ऊपर स्क्रैच कर रहा हूँ, आप ये देखिए बिल्कुल इसके अंदर कोई स्क्रैच नहीं आ रहा है। एक भी स्क्रैच इसके अंदर नहीं आ रहा है। आपके सामने मैं कर रहा हूँ चाबी से, मैं स्क्रैच करूँ बट देखिए कोई स्क्रैच नहीं आ रहा है, ये इंस्टेंट सेल्फ हीलिंग होता है एंड यही हम नॉर्मल पे करते हैं, देखिए इसके ऊपर स्क्रैच आ गया। तो दिस इज द डिफरेंट ऑफ PPF। मैंने आपको शॉर्ट में दिखाया है प्रॉपर पूरा, ताकि आप बाकी जो भी प्रोडक्ट गाड़ी पे लगाना है आप अच्छे से उसको चूज कर सकें। आपको चाहे सिरामिक करानी है, चाहे PPF करवानी है, आपका मोस्ट वेलकम है। सर, एक चीज और मुझे जाननी थी कि आजकल मॉडिफिकेशन का बहुत ज्यादा क्रेज है एंड इवन मैंने जब से अपनी गाड़ी परचेज किया मैंने इसमें नॉट इवन अ सिंगल थिंग मॉडिफाई कराई है। मैं चाहती हूँ कुछ एसेसरीज मुझे मेरी गाड़ी के लिए एक ही जगह पर मिल जाए, तो आपके पास कुछ इस तरीके के ऑप्शन? फिर तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं क्योंकि कार क्रॉस स्टूडियो इज अ सिंगल सोल्यूशन फॉर ऑल रिक्वायरमेंट। आपको जो भी चीज चाहिए गाड़ी के अंदर, चाहे आपको मॉडिफिकेशन कराना हो, चाहे PPF करवाना हो, चाहे सीट कवर बनवाने हो, चाहे एंड्रॉइड लगवाना हो, इट्स नॉट ऑल अबाउट डिटेलिंग। क्या डिटेलिंग हम लोग कर रहे हैं बट साथ में हमारे पास ये है कि कस्टमर हमारे पास जो आएगा उसको अपनी बाकी चीजों के लिए कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट प्राइस एंड बेस्ट क्वालिटी उसको यहीं पे ही अंडर वन रूफ मिलेगी। ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ। तो साहिल जी, आई डेफिनेटली लव द डेमो और मैं इन दोनों में से एक चीज जरूर चूज करूंगी। बट आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ इट्स नॉट आई थिंक ऑल अबाउट द PPF और कार डिटेलिंग, पीछे भी काफी सारी एसेसरीज है। डू यू आल्सो डील इन मॉडिफिकेशंस कार एसेसरीज? मैम हमारे पास हर तरीके का कार का सोल्यूशन है। आपको गाड़ी में कुछ भी करवाना हो, चाहे वो PPF सिरेमिक मैंने आपको दिखाई दी है, प्लस में जितने मॉडिफिकेशन, जैसे अगर हम एंड्रॉइड की बात करते हैं तो हमारे पास एंड्रॉइड यहाँ पे अवेलेबल है, हर साइज का एंड्रॉइड अवेलेबल है, स्मॉल से लेके बिग साइज से लेके हर ब्रांड हम यहाँ पे रखते हैं। फिलहाल हमने हाइपरसोनिक के साथ टाइप कर रखा है, हम हाइपरसोनिक का सामान यहाँ पे सेल कर रहे हैं। जैसे मेरी बैग तो देख सकते हैं, थार की हेडलाइट भी हमारे पास रखी हुई है, आपको LED चाहिए तो LED बल्ब भी हमारे पास अवेलेबल है, आपकी गाड़ी में स्पीकर लगने स्पीकर अवेलेबल है, प्लस में डैम्पिंग जो आजकल बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, रोड साइड की जो वाइब्रेशन गाड़ी के अंदर आती है आपको डैम्पिंग उसके अंदर काफ़ी रिड्यूस हो जाती है वॉइस, तो उसका काफ़ी है। तो मेरे पास मैम, मैंने जब ये कार क्रॉस स्टूडियो को ओपन करा है तो हमने ये सोच के ओपन किया है कि वी गिव कस्टमर को पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देना है, एक ही जगह पे हर चीज का। बिल्कुल मैम, ताकि आप ये नहीं कि आप सिरामिक हमारे से करा रहे हैं तो CVO लगाने कहीं और जाना है या अलॉयज लगाने कहीं और जाना है या सीट्स को आपको मॉडिफाई कराना है, सीट्स में आपको टाई सपोर्ट चाहिए, एज पर योर रिक्वायरमेंट हम आपको सीट बना के देंगे गाड़ी के अंदर, प्रॉपर पूरा हम वुडन करके देते हैं, प्लस में आपको जो भी अलॉय भी लग रहा है, मतलब व्हाटएवर यू थिंक विल गिव इट टू यू।
मेरी गाड़ी के लिए, ना सिर्फ मेरी गाड़ी के लिए बल्कि आप लोगों को भी, जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें भी उनकी गाड़ी के एक परफेक्ट सॉल्यूशन मिल चुका है। क्योंकि कार डिटेलिंग के लिए डेफिनेटली हम कहीं और प्लान करते हैं, पीपीएफ कहीं और देख रहे होते हैं, एसेसरीज मॉडिफिकेशन कहीं और देख रहे होते हैं, अलॉयज कहीं और हमें जाना पड़ता है, तो अभी हमें सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएंगी। सर एड्रेस ये रजौरी गार्डन में एग्जैक्ट किस जगह है? मैम ये रजौरी में शिवाजी एन्क्लेव है, GN3 हमारा एड्रेस है, GN3 शिवाजी एन्क्लेव, ये नेक्स्ट टू शिवाजी कॉलेज ही है एंड नियर बाय यहाँ पे रजौरी गार्डन थाना भी है। तो एड्रेस आपको साहिल जी ने बता दिया है एंड यहाँ पर मैंने जो डेमो देखे हैं उनका मैं डीप डिटेलिंग कराऊंगी जब, तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको लोकेशन समझ में नहीं आई है तो लोकेशन का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ, गो एंड चेकआउट राइट नाउ।